मेरे को अगर माउंटेड पार्टीशन देखना है तो df स्पेस हाइफन एच कमांड होती है, ये पार्टीशन माउंटेड है, ठीक है। अगर सपोज मेरे को कोई नया पार्टीशन क्रिएट करना है तो पहले मैं df स्पेस हाइफन एच एम्प्टी स्पेस हाइफन एल करूंगा। मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, उसकी साइज 15 GB है, दो पार्टीशन ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। फ्री स्पेस इस पे नहीं है क्योंकि 12 GB रूट पार्टीशन और स्वैप आपका 5.5 GB है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नई हार्ड डिस्क ऐड करनी पड़ेगी इसमें। चलो मैं हार्ड डिस्क ऐड कर दूंगा इसमें, ये मशीन है, इस मशीन में सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाके ऐड किया मैंने, ऐड में डिस्क ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्लिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, 1 GB की एक डिस्क ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिनिश कर दिया, ओके किया। अब एड्रेस पे सही पैनल करता हूँ, मेरे को SDB दिखना चाहिए, SDB नहीं दिख रहा है मेरे को, क्या करना पड़ेगा, रिबूट करना पड़ेगा। एक मशीन और बना देना, वो मशीन एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है। लीज मशीन से नहीं करना है बात, कुछ ना कुछ पॉलिसी लगानी पड़ेगी उसको, बढ़िया है कि यूं का वर्क स्टेशन डाल दो, विंडो डालो वो वर्क स्टेशन में जो दिया ना पड़ता है उसमें ऑफिस का है। हाँ ठीक है, ये आ गई, अब SDB दूसरी हार्ड डिस्क आ गई। चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें ना डिस्क दिख गई है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पार्टीशन बनाना है। पार्टीशन क्यों बनाना है, क्योंकि हमें वो पार्टीशन यूज करना है, मे बी हम बहुत अलग अलग चीजों के यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आती है कि हमें डिस्क एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो, या फिर एक नया पार्टीशन बना दो। तो नया पार्टीशन कैसे बनाते हैं, एफडी स्पेस स्लैश डेव स्लैश SDB, एंटर किया, एम एम फॉर हेल्प, हेल्प लेते हैं। इतने सारे मीनू आ रहे हैं, हर एक मीनू का अपना एक काम होता है, अपना एक यूज है। हमारे कौन कौन से काम किए, ये है पहला डिलीट पार्टीशन, सबसे पहला। सेकंड आपका लिस्ट नोन पार्टीशन टाइप, थर्ड आपका प्रिंट दिस मीनू, इसे एम से अभी प्रिंट नहीं किया हमने, एन से एड न्यू पार्टीशन, नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, पी से प्रिंट द पार्टीशन टेबल, अगर कोई पार्टीशन बनाया तो पी से चेक करोगे तो टेबल आ जाएगी पूरी। क्यू से क्विट विदाउट सेविंग चेंजेस, आपने जो भी चेंजेस किए हैं अभी, अगर आप चाहते हो चेंजेस डन ना हो, क्यू से क्विट हो जाओ, सेव नहीं होगा चेंज आपका। टी से चेंज पार्टीशन सिस्टम आईडी, हर एक पार्टीशन की एक सिस्टम आईडी होती है यूनिक, अगर आपको चेंज करना हो तो टी से चेंज करते हैं, ठीक है। एल से चेक करते हैं कि हमें क्या रखना है सिस्टम आईडी, अभी आगे समझ में आएगा। फिर डब्ल्यू से राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट, अगर आपने जो भी चेंजेस किया है आप डब्ल्यू करके करोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी चेंजेस किया वो सेव हो जाएगा और बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एड न्यू पार्टीशन, नया पार्टीशन क्रिएट करना है, एन लिखा मैंने, एंटर किया, ये बोला आप कौन सा पार्टीशन बनाना है, प्राइमरी बनाना है कि एक्सटेंडेड बनाना है, एक्सटेंडेड बनाओ, एक्सटेंडेड बनाओ तो एक्सटेंडेड के अंदर फिर लॉजिकल बनाओ, बिल्कुल। तो प्राइमरी बनाता हूँ क्योंकि इस हार्ड डिस्क में एक भी प्राइमरी नहीं, ठीक है, इस हार्ड डिस्क में एक भी प्राइमरी नहीं है, तो मैं प्राइमरी बनाता हूँ। बोल रहे हैं प्राइमरी आप चार बना सकते हो एक हार्ड डिस्क में, ठीक है। उसका नंबर बाई डिफॉल्ट अभी 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि एक भी प्राइमरी नहीं है, क्या आप चाहते हो यही सेलेक्ट करना है हमको फर्स्ट से ही। बोला फर्स्ट सेक्टर 2048 सिलेंडर से
209 7157 डिफॉल्ट सिलेंडर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। मेरे को देने ही नहीं है, मेरे को देना है साइज में, जैसे प्लस साइज केबी प्लस साइज एमबी प्लस साइज जीबी। तो देखो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, ऐसे देना आपको, प्लस साइज दिया आपने जैसे 200, ठीक है, सेम मैच कर रहा है फॉर्मेट। इंटर, आपने पार्टीशन बना लिया, पी से चेक करोगे आप, प्रिंट द पार्टीशन टेबल एस जी बी वन बन गया। एक और बनाना है पी एक और पार्टीशन चेक किया, दो पार्टीशन दिख गया आपको, डब्ल्यू से इसको सेव कर लो, सेव कर दिया। जब भी आप कोई पार्टीशन बनाओगे तो इस एक्चुअली क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को, पूरे ओएस को मैनेज करता है कर्नल। आपने ये जो पार्टीशन बनाया है, इस पार्टीशन की इंफॉर्मेशन कर्नल के पास नहीं है। अगर आप इसको फॉर्मेट करोगे तो ये मना कर देगा फॉर्मेट करने, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट प्रोक चलाना पड़ेगा। लेकिन आरजीएल 7 में अब क्या होता है कि आप जो पार्टीशन बनाते हो डायरेक्ट फॉर्मेट कर लेते हो। कई बार क्या होता है कि जो भी पार्टीशन आप बनाते हो वो अपडेट्स कर्नल के पास चले जाते हैं, लेकिन आरजीएल 7 के पहले जब आप पार्टीशन बना रहे थे तो आप बनाते हो आरजीएल 7 के पहले के वर्जन में, जब भी आप कोई पार्टीशन बनाते हो तो पार्टीशन बनाने के बाद आपको पार्ट प्रूफ कमांड चलाना पड़ता है, फिर मशीन को रिबूट करना पड़ता है। पार्ट प्रूफ कमांड चलाने से या फिर मशीन को रिबूट करने का बेनिफिट ये है कि वो इंफॉर्मेशन जो आपने पार्टीशन बनाई है, पार्टीशन की इंफॉर्मेशन कर्नल के मेटा डेटा में अपडेट हो जाता है। लेकिन 7 में आपको अब जरूरत नहीं है, यू कैन फॉर्मेट द पार्टीशन आफ्टर क्रिएट द पार्टीशन, ठीक है। तो XFS यूज करूंगा फाइल सब लेटेस्ट से, क्योंकि EXT4 भी यूज कर सकते हो आप। चलो पहले एक को EXT4 में यूज करते हैं, एक को XFS में। मेक फाइल सिस्टम मतलब फॉर्मेट कर रहा हूँ, फाइल सिस्टम डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। SDB1 में फॉर्मेट हो गया, दूसरे को फॉर्मेट करो, फोर्सफुली ज्यादा फॉर्मेट कर दिया, मैंने ऐप लगा दिया, अब फॉर्मेट हो गया। अगर ऐसा है तो समझ लो फॉर्मेट हो गया, ये मेटा डेटा में अपडेट भी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आप डायरेक्ट किसी पार्टीशन रॉ पार्टीशन के अंदर नहीं जा सकते, मैंने बताया रहा, ठीक है। विंडोज में क्या होता है, बाइट उसको ड्राइव मिल जाती है, तो आप उसके डेटा उसके डायरेक्टरी के अंदर जाके डेटा कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपने जो पार्टीशन बनाया है, यू कैन नॉट इंटर एनी रो पार्टीशन, यू नीड टू क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है। देन आपको उसके बाद उस पार्टीशन को माउंट करना पड़ेगा, दो पार्टीशन दो डायरेक्टरी को माउंट किया अलग अलग, माउंट स्पेस लेस देव स्लैस एस डी वी टू, ये माउंट नहीं है, ठीक है। जीएफएस पर है फाइनेंस किया मैंने, DIR1 माउंट हो गया, सबसे लास्ट में वाला पार्टीशन माउंट हो गया, ठीक है। सेकंड वाला नहीं हुआ, सेकंड वाला देखते हैं, ये हो गया। लेकिन अगर मशीन को आप रिबूट करोगे ना, ये अनमाउंट हो जाएगा, क्योंकि आपने टेम्परेरी माउंट किया है। आपने क्या किया है, ये टेम्परेरी माउंट किया है। परमानेंटली माउंट करने के लिए आपको FS टैब के अंदर इसकी एंट्री करनी पड़ती है, फाइल सिस्टम टेबल होता है उसकी कॉन्फिग होती है ETC के अंदर, FS टेबल फाइल, FS टैब। इस फाइल को ओपन करना पड़ता है हमको VI एडिटर से, क्योंकि अगर हमें कोई चेंजेस करना
है उस फाइल के अंदर, तो वी कैन चेंज और मॉडिफाई थ्रू वी आई एडिटर। आपका रॉ पार्टीशन SDB1, फाइल सिस्टम कौन सा यूज किया आपने, EXE4, माउंट पॉइंट DIR1, परमिशन, डिफॉल्ट, फर्स्ट वाला 0, सेकंड वाला 0। 0 मतलब डिसेबल मोड, 1 मतलब इनेबल मोड। अभी मैंने डिसेबल किया दोनों ऑप्शन को, ये क्या है ऑप्शन? हाँ अभी ये मोड, दोनों मोड डिसेबल है। पहला वाला 0 जो है वो डंप है, क्या है, और दूसरा वाला 0 है FSC के। डंप क्या होता है, अगर आपने इनेबल कर दिया तो ये फाइल, ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन का डंप बनेगा, एक बैकअप बनेगा। आप सुपर ब्लॉक से इस बैकअप, इस पार्टीशन को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। और इसको बंद किया तो फाइल सिस्टम चेकर, मतलब बार बार जब जब मशीन रिबूट होगी आपकी, ये फाइल सिस्टम को स्कैन करेगा। हम दोनों चीज 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि अब के जब आप अब के टाइम में हमें जरूरत नहीं है। अगर मैं दोनों को इनेबल करूंगा तो प्रॉब्लम है कि मशीन बूट होने में बहुत टाइम लेगा, और हाँ चेक करेगा बहुत टाइम लेगा, डंप लेगा ये, और पुराने डंप को डिलीट भी करेगा। तो बूटिंग टाइम के लिए सेट करते हैं हम, लेकिन अब हम 0 रखते हैं, कोई इनेबल नहीं करते आजकल के जमाने में। पहले जमाने में हम करते थे जबकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थे कुछ भी। अब तो यार टाइम तो बहुत एडवांस हो गया है ना, तो इसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं है कभी, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, माउंट स्पेस माइनस ये चला दिया। माउंट स्पेस माइनस ये क्या करता है कि अगर आपने कोई गलती करी है माउंट करने में, तो आपको बता देगा आपने क्या गलती करी है। देखिए इसने एरर दिया, माउंट पॉइंट EXE4 डज नॉट एग्जिस्ट, उल्टा लिख दिया मैंने ये, बोला बोला आपको यहाँ पे DIR लिखना था और यहाँ पे फाइल सिस्टम आता है, आपने क्या किया उल्टा लिख, ठीक है। अब सही तो बहुत ज्यादा है कि हम सुपर यूजर की फॉर्म डायरेक्टरी को डायरेक्टरी बनाते हैं, उससे बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, जो भी डायरेक्टिव देखो, माउंट तो हमेशा रॉ पार्टीशन माउंट जो होगा हमेशा डायरेक्टरी में होगा, और डायरेक्टरी तो हमेशा रूट के नीचे बनेगी, हाँ, क्योंकि रूट तो हमेशा ऊपर ही होता है, रूट की जो अंडर की डायरेक्टरी, ठीक है। ये परमानेंटली माउंट हो गया। अब हम देख रहे थे SDP2, मैंने MKFS चलाया रहा डॉट XFS स्लैश देव SDP2, फॉर्मेट हो गया, लेकिन ये माउंट नहीं होता, राइट। अब हो गया, ठीक है। हो सकता है कि पहले तरीके अच्छे से फॉर्मेट नहीं हुआ हो, इसको ही माउंट कर लूं मैं, फाइल से सब क्या होगा, XFS सेव, सेव किया, माउंट स्पेस माइनस सेव। ऐसे पार्टीशन बना रहे। अब अगर पार्टीशन को डिलीट करना है तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले इसको अनमाउंट करना पड़ेगा आपको, जो आपने माउंट किया उसको हटा दो, माउंट स्पेस माइनस ए। अब टेम्प, अब DFS पे सही मैनेज करोगे, अभी भी दिख रहा है नीचे ये दोनों, दोनों कर दिया, दोनों किया, जल्दी करके देखने को, ठीक है। अब इसको टेम्परेरी अनमाउंट करना पड़ेगा, DIR1, DIR2, ठीक है। उसके बाद दोनों डायरेक्टरी को डिलीट मार दो, सॉरी गलत किया, स्लैश वन रेड मार दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, FD/dev/SDB, ये दो पार्टीशन डिलीट करना। तो क्या एम से चेक करूं, डिलीट का ऑप्शन है, डी डिलीट है पार्टीशन, डिलीट है पार्टीशन, डी लिखा आपने, ये बोल रहे हैं कि आपके पास दो पार्टीशन, वन और टू, ठीक है।
एंटर मारोगे आप तो अपने आप सेकंड नंबर का पार्टीशन डिलीट करेगा क्योंकि डिफॉल्ट टू दिख रहा है आपको, राइट। एंटर करो, उसने टू डिलीट किया, फिर डी लिखोगे एंटर मारोगे, जो वन था वो बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड था, फिर डिलीट हो गया। अब पी से चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डब्ल्यू से सेव कर दो। सेव करने के बाद आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से डिलीट किया डायरेक्ट तो आपका ओएस क्रैश हो जाएगा। तो प्रोसेस क्लियर है आपको, कोई डाउट इसमें?